एक ही सेम टॉपिक के ऊपर दो चीजें आना, पहले सीरीज और अब मूवी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द बिग बुल मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज होने वाली है, यानी इसे ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया कोकी गुलाटी ने, और इस मूवी के अंदर आप लोगों को मेन किरदार में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। इससे पहले जो एक सीरीज आ चुकी है हर्षद मेहता के ऊपर, स्कैम 1992, उसी के ऊपर आधारित होने वाली ये मूवी है। और जैसे जिसकी बात करूं, स्कैम 1992 की जो सीरीज आई थी उसमें बहुत अच्छे से हमारे सामने एक एक डिटेल बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट की गई थी। उसके अंदर बताया गया था कि हर्षद मेहता ने 1992 के टाइम में कैसे एसबीआई बैंक को हजारों करोड़ों की चपत लगा डाली थी, और उसी वक्त के जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का। तो वो चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्कुल खुलकर हमारे सामने रखी थी। और अब देखो यार, उसी कहानी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर फिर से एक नई मूवी आने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मूवी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी, मतलब लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह तो तभी पता चलेगा जब यह मूवी जो है वो रिलीज होगी। उससे पहले तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता कि हाँ इसके अंदर ऐसा है वैसा, मुझे अभी नहीं पता इसके बारे में। बट जितना पता चला है कि यह सेम टॉपिक ही है, वही हर्षद मेहता के जो 1992 के अंदर जो शेयर मार्केट को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, उसके अंदर बहुत बड़ा घपला हुआ था, वही कहानी इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। बार बार मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि यार वही सेम टॉपिक लेने की क्या जरूरत थी, कुछ और कर लेते, किसी और चीज के ऊपर वो बना लेते। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं सीरीज और मूवी के बीच में, अब कंपैरिजन के मामले देखो यार, सीरीज तो काफी लंबी होती है, उसके अंदर टाइम बहुत अच्छे से दिया जाता है, तो उसके अंदर बाकायदा हर चीज को बहुत अच्छे से डिटेल से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मूवी के अंदर उसमें तो लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें हमारे सामने नहीं रखी जा सकती एज कंपेयर टू जितनी हमें सीरीज के अंदर देखने को मिली थी बहुत अच्छे से, जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे देखने को मिला था। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूं तो परफॉर्मेंस के ऊपर तो आना जरूरी है। परफॉर्मेंस में जिसमें बात करूं अभिषेक बच्चन जी की, जहां पर उन्होंने ब्रीथ जो सीजन 2 आया था उनमें बहुत उम्दा कलाकारी की थी, वो अलग बात है कि लूडो के अंदर उन्होंने वही रोल फिर से पेल दिया था, गुजराती रोल में वो काफी अच्छे जच रहे थे जैसे इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यार हाँ इन्होंने गुजराती रोल तो काफी अच्छा प्ले किया है। लेकिन वहीं अगर प्रतीक गांधी जी की मैं बात करूं, जिन्होंने हर्षद मेहता की जो स्कैम 1992 की सीरीज में मेन भूमिका में थे, उन्होंने भाई साहब कमी नहीं छोड़ी थी गुजराती एक्शन को कैच करने के अंदर। इतनी जबरदस्त उनकी वो लैंग्वेज उन्होंने वो दिखाई, उनका सोचना, उनका बात करना काफी कमाल का था। अब देखो परफॉर्मेंस में तो लगभग एक जैसे ही हैं ये। मेन रीजन मेरा इस वीडियो को बनाने का था, जो इस मूवी के अंदर सॉन्ग यूज किया, यलगार जो सॉन्ग इन्होंने यूज किया, जैसे ये यलगार सॉन्ग बजा इस मूवी के अंदर, मैंने अपने ईयरफोन हटाकर देखे, मैंने कहा यार कोई आसपास से कहीं आवाज तो नहीं आ रही, बट फिर से ध्यान से मैंने सुना कि यार ये जो सॉन्ग है वो इस मूवी के ट्रेलर के अंदर चलाया जा रहा है। मुझे तो कुछ टाइम तक तो यकीन नहीं हुआ यार, ये अच्छा सच में यहां प्ले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे वो सॉन्ग पसंद नहीं या फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, काफी ज्यादा मुझे खुशी हुई, बल्कि मैं हैरान हो गया ये देखकर कि सुनकर, मतलब देखकर क्या, सुनकर ये हैरान हो गया, एक यूट्यूबर का यलगार सॉन्ग बॉलीवुड ने अपने पास मतलब कि मूवी के अंदर दिखाने की उन्होंने ये कोशिश की है, कि भी सुनाने की कोशिश की है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, काफी अच्छी बात है। और ये जो चीज इन्होंने की है कि भाई आने वाले टाइम में या फिर अभी से समझ लो यार, यही तो अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, कि बॉलीवुड अब ऑडियंस को लुभाने के लिए यूट्यूबर्स का सहारा ले रहा है कि हाँ भी देखो यार इन यूट्यूबर्स को कितनी मेहनत है, और ये मोटिवेशन का काम करेगी बहुत सारे लोगों के लिए कि भाई इस मंच से तुम कितना ज्यादा कुछ पा सकते हो अगर सही ढंग से काम करो तो। सीरियसली मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जब यलगार सॉन्ग इसके अंदर प्ले किया गया, मैंने कहा ना काफी देर तक तो मुझे यकीन नहीं हुआ यार, ये जो आवाज आई कैरीमिनाटी की जैसी आवाज आई वो गाने की, तो काफी थोड़ी देर के लिए तो सन हो गया था, मैं कहा अच्छा यार ये गाना यूज हो रहा है इसके अंदर, तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा है तो प्लीज अपने रिएक्शन कैसे रहे आपको, जब ये ट्रेलर आपने देखा, जब ये सॉन्ग आपके वहां पर प्ले हुआ तो आपने क्या सोचा, अपने थॉट प्लीज शेयर करना। अगर आपने ये अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो मैं तो ये कह सकता हूँ ये ट्रेलर कॉस्ट ऑफ फ्री है, जाकर कम से कम ये तो देख लो, मतलब काफी अच्छे लगे, वहां पे कमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये समझ लो कि यार अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, इससे अच्छे दिन और क्या चाहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।